नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में राजस्थान किसान कर्ज माफी को लेकर अशोक गहलोत की सरकार ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा कर दी गई है। इस किसान कर्ज माफी लिस्ट सूची को जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है। तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने सभी किसानों का केसीसी लोन माफ करने की घोषणा की है। अब प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा है। किसानों के लिए 2022 में इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अभी किसान कर्ज माफी को लेकर राजस्थान सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसका लाभ राजस्थान राज्य के 30 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में, हर किसान के बैंक खातों में 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15 तारीख से राजस्थान सरकार ने सभी किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजना शुरू करेगी। प्रदेश का कोई भी किसान इस किसान कर्ज माफी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन किसानों को पहले अपना ऑनलाइन फसल बीमा करवाना होगा, उसके बाद ही कृषि योग्य भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अपना केसीसी लोन करवा सकते हैं, तभी आप किसान कर्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने किसान कर्ज माफी की लिस्ट सूची को जारी किया है, जिसमें राज्य के 3 लाख से अधिक किसानों की एक लंबी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी की लंबी लिस्ट के अंतर्गत प्रदेश के जिन किसानों का नाम शामिल हुआ है उन्हीं किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार 2-2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता घोषित कर जाएगी। तो किसान भाइयों, राजस्थान सरकार की ओर से जो बड़ी घोषणा की गई है, उसी प्रकार पंजाब सरकार ने भी प्रदेश के सभी किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था। इसमें राज्य सरकार ने जो किसान 5 एकड़ की भूमि पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है और वे किसान एनपीए के अंतर्गत शामिल होते हैं, उन सभी किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजने वाली है। अगर कोई किसान इस लाभार्थी सूची में नाम देखना चाहता है तो इस लाभार्थी सूची में राजस्थान के लगभग 3 लाख किसानों का नाम अंकित किया गया है। अगर आप भी किसान कर्ज माफी के अंतर्गत लिस्ट सूची में नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको किसान पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसे अभी वर्तमान राजस्थान सरकार ने किसान कर्ज माफी की लिस्ट सूची को अभी जारी नहीं किया है। जैसे ही राजस्थान सरकार किसान कर्ज माफी की इस जानकारी को प्रस्तुत करती है तो हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो किसान भाइयों, अभी आप हमारे साथ बने रहें। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा कोई नया अपडेट निकाला जाएगा किसान कर्ज माफी को लेकर तो हम आपको जरूर सूचना करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से किसानों का कर्जा माफ करती है। फिलहाल वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है इसके अंतर्गत राजस्थान के कौन से किसानों को शामिल किया गया है। तो राजस्थान सरकार किसान कर्ज माफी का एक बड़ा लाभ प्रदेश के उन किसानों को कर्ज माफ करने की घोषणा की है जिन किसानों के पास 5 एकड़ की भूमि पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है और उन किसानों को प्रदेश की बैंकों ने एनपीए के अंतर्गत शामिल कर दिया। यानी जो किसान डिफॉल्टर है, जिन्होंने केसीसी लोन लेने के बाद एक बार भी वापिस पैसा चुकता नहीं किया है, क्योंकि उन किसानों की आर्थिक स्थितियां काफी खराब है जिसके कारण वे केसीसी लोन को वापिस चुकता नहीं कर सकते, उन किसानों को राजस्थान सरकार ने किसान सहायता के रूप में किसान कर्ज माफी का लाभ देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं कि इस किसान कर्ज माफी के अंतर्गत राजस्थान सरकार क्या उन किसानों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो किसान वास्तव में बैंक के साथ सही तरीके से लेन देन कर रहे हैं, यानी जो किसान डिफॉल्टर नहीं है, जिन्हें एनपीए के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, क्या उनको भी किसान कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपके लिए जानकारी के रूप में हम बता देते हैं कि अभी तक राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई नई अपडेट नहीं निकाली है और ना ही उन किसानों के लिए कोई अन्य प्रकार की सेवा दी गई है। लेकिन लगता है क्योंकि राजस्थान के ऐसे किसान, राजस्थान सरकार का यही कर्तव्य बनता है कि देश के तमाम किसानों का कर्जा माफ करें, तो इसके लिए राजस्थान सरकार जल्द ही किसान कर्ज माफी के अंतर्गत घोषणा कर सकते हैं। अब बात रही कि राजस्थान का प्रदेश का कोई भी किसान कर्ज माफी में अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर या ई मित्र की दुकान से अपना फसल बीमा करवाएं और आने वाले समय में अगर फसल पर नुकसान होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार किसान कर्ज माफी के अंतर्गत आपको लाभ दे सकती है, मुआवजा दे सकती है। तो आप जरूर बेनिफिट उठाइए। जिन किसानों का कर्जा माफ राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी किसानों का करेगी उसकी लंबी लिस्ट आगे हम बात करेंगे। अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी नया अपडेट नहीं निकाला गया है। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। अभी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, सरकारी योजना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निकाला जाए उनका लाभ आप तक तभी पहुंचेगा
जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ताकि नया वीडियो बनाया जाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी और कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।